बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं। प्रजातंत्र है, जहां लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी की मंजू हुड्डा को 71,465 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि कांग्रेस इन चुनावों में बहुमत से दूर रह गई, जिसकी वजह से भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी ने कई नए चेहरों पर दाव खेला था, जिसमें से उसे कुछ पर सफलता मिली तो कुछ में निराशा हाथ लगी। उन्हीं में से एक हैं मंजू हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनावी मैदान में थी। मंजू चुनाव हार गईं, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान उनकी भी चर्चा होती रही। बीजेपी ने मंजू हुड्डा को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने मैदान में उतारा था, जिससे वे चर्चाओं में आ गई थी। कौन है मंजू हुड्डा? मंजू हुड्डा साल 2022 में सर्वसम्मति से रोहतक जिला परिषद की चेयरमैन चुनी गई थी। चेयरमैन चुने जाने के बाद मंजू हुड्डा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। बीजेपी की तरफ से गढ़ी सांपला किलोई सीट दिए जाने पर मंजू हुड्डा का कहना था कि मेरी मेहनत, विश्वास और जनता का समर्थन मेरे साथ है। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बस मेरी मेहनत मेरे साथ है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ने के सवाल पर मंजू हुड्डा ने कहा था, मैं बहुत सारी मेहनत करूंगी, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। लोगों का प्यार और विश्वास मुझे जैसे पीछे मिला था, आगे भी मिलेगा। पिता पुलिस और पति हैं गैंगस्टर। मंजू हुड्डा के अनुसार वे गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उनके पिता स्वर्गीय प्रदीप यादव हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे। उन्हें एएसआई के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मंजू हुड्डा ने रोहतक के धामड़ गांव निवासी राजेश हुड्डा उर्फ राजेश सरकारी से लव कम अरेंज मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बाद में परिजनों से बात करके साल 2020 में दोनों ने शादी कर ली। मंजू हुड्डा के पति गैंगस्टर राजेश सरकारी पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। राजेश 13-14 साल की उम्र में हत्या के आरोप में जेल गया था। हत्या के अलावा उसका नाम अन्य आपराधिक मामलों में भी आ चुका है। वह करीब 20 साल जेल में रह चुका है। मंजू हुड्डा के पति राजेश हुड्डा पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। मंजू हुड्डा का कहना है कि वे अपने पति के कहने पर ही राजनीति में आई हैं। विपक्ष ने बनाया था गैंगस्टर को मुद्दा। विपक्ष ने पति के गैंगस्टर होने के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को पूरे चुनाव में घेरने की कोशिश भी की थी। इधर मंजू हुड्डा ने कहा कि जरूरी नहीं कि बचपने में जो बात हुई है वो हमेशा हमारे साथ चले। मेरे पति ने पिछले 10 सालों से ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचे। धरे रह गए दावे। सभी एग्जिट पोल आंकड़ों में राज्य में एक दशक बाद कांग्रेस की वापसी होने का अनुमान जता रहे थे, लेकिन इसके उलट चुनाव परिणाम में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत चेहरे भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलेजा और रणदीप सुरजेवाला, सभी की दावेदारी धरी की धरी रह गई। वैसे इस चुनाव में मुख्य पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी थे। माना यह जा रहा था कि इन सब के बीच सीधा मुकाबला होगा, लेकिन चुनावी मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नजर आई। हरियाणा की 90 सीटों पर 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं सहित कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में थे। इन सीटों पर 5 अक्टूबर को ही एक चरण में मतदान हो गए थे। अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा था। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं। कांग्रेस एक एकजुट थी,
ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मन भेद किसी का नहीं था। साहब कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था। कुमारी शैलजा ने कहा कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है, सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ है ना, जब इस बात की करेंगे, शिकायतें मिली है हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी है, वो सारी हम उनका करेंगे। बेटा साहब एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा क्या कुछ नहीं है, ये आप लोग यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, ना जात पे ना हाथ पे मौ लगी हाथ। आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं, प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ उसकी दूर हम सर ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, कई सीटों पर मार्जिन को लेकर वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहां पर नए ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, बता चुके इनको लेकर किस तरीके बता, से बता चुका मैंने, AICC में जयराम ने कहा है वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। सर अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, सत्ता के पक्ष में वोट मिलता है। बीजेपी की ताकत मानते हैं या आप लोग अपनी कमजोरी? 19 में जोड़ जुगाड़ से उन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी, अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया, अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था, वही मैं कह रहा हूँ आश्चर्यचकित। साहब कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जात करेगी? आपको लगता है कोई है हार के जिम्मेवार? मेरे क्या पता, कोई अगर किसी को होगा शिकायत तो पार्टी भी जाएगी, कमेटी बनेगी पार्टी की, पूरी होता है इसमें तो एक प्रथा है पार्टी। बुढ़ा साहब ये तीसरा चुनाव है जो देखा गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा जीती हुई बाजी आपके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है, क्या आपको क्या लगता है कि इसका अध्ययन होना चाहिए, क्या ये आप लोग भी अध्ययन करो इसका। सर एक आखिरी सवाल, सर इस चुनाव में आप लोग भी अध्ययन करो। सर इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एकजुट नहीं रह पाया, आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की बातचीत चली जो बन नहीं पाई बात, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चली, क्या मानते हैं आपको हमारी बात? क्या पता गठबंधन समाजवादी के साथ कोई बात ही नहीं चली हमारी, ना उन्होंने कहा था भी ना बात पार्टी ने कहा कि अगर होता हमारा तो आम आदमी को रहता, हमने ऑफर किए थे लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस, क्या उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? अरे नहीं नहीं, क्या अलायंस की बात है, नहीं हमारे वो हुआ सर इसी से एक मिनट CPM ने मांगी सीट हमें दे दी, अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती जो ड्यू था उसका हम जरूर देते, हमें तो ऑफर किया।